निकाह करके साथ ले जाने वाला और साथ निभाने वाला थोड़ा काला ही सही, थोड़ा गरीब ही सही, लेकिन आपको इस्तेमाल करके छोड़ देने वाले हसीन महबूब से लाख गुना बेहतर होता है। बात समझ में आई? निकल गए हैं अकल की हदों से दीवाने, अहले होश से कह दो न आए समझाने। आपको इग्नोर किया जाता है, शायद आप किसी के एक ही बुलावे पर भागे चले जाते हो, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है कि आप कुछ लोगों को उनकी औकात से ज्यादा प्यार दे देते हो। इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है कि आप बहुत खुलकर बोलते हो। इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है कि आप अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में ओवर रिएक्ट कर जाते हो। इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है कि आप करते कम हो और बोलते ज्यादा हो। इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है कि आप किसी को अपना समझकर अपने दिल की बात बोलते हो और वो बोर हो जाता है। इसलिए आपको इग्नोर किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को इग्नोर मत करना, बात को समझना जरा। तीन चीजें काफी है जिंदगी का सुकून छीनने के लिए, मतलबी यार, पंचायती रिश्तेदार और झूठा प्यार। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो टके के लोग आए और खेल के चले जाए। बुद्धिमान और अकलमंद लोगों में पाए जाने वाले लक्षण यानी निशानियां। बुद्धिमान लोग सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। बुद्धिमान लोग किसी से उलझते नहीं है बल्कि किनारे से निकलना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग काम कंप्लीट होने पर ही लोगों को बताते हैं, पहले नहीं। बुद्धिमान लोगों के अंदर क्या चल रहा होता है उसकी खबर किसी को होने नहीं देते। बुद्धिमान लोग बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं। बुद्धिमान लोग अक्सर अपना काम खामोशी से कर जाते हैं और उनकी कामयाबी शोर मचाती है। अब आपको सोचना है कि आप कौन हो। हुस्न कहां हसीन लगता है, ए बशर बददिमाग, जिनसे इश्क हो जाए बस वो दिलकश लगते हैं। तू कामयाब कब होगा, जब लोग तेरे काम पर और तेरे मकसद पर हंसेंगे लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तू कामयाब होगा। जब लोग तुझसे कहेंगे कि तेरे बस का नहीं है, तू छोड़ दे, उसके बाद भी तू अपने काम अपने मकसद से प्यार करेगा, तब तू कामयाब होगा। जब तू खुद की काबिलियत पर शक करना बंद कर देगा और अपने काम अपने मकसद पर ध्यान देगा, तब तू कामयाब होगा। जब तेरे लिए दिन और रात बराबर लगने लगेंगे, तब तू कामयाब होगा। जब तुझे वक्त जाये करने से और टाइम पास करने से डर लगने लगेगा, तब तू कामयाब होगा। जब तेरी सोच तेरे ख्वाबों से बड़ी हो जाएगी, तब तू कामयाब होगा। और आज की मेरी इस वीडियो का मकसद, जब तू समझ जाएगा तब तू कामयाब होगा। मोहब्बत के लिए दो बाहों का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ दो दिल दरकार है जिनकी नब्ज एक हो। निकल गए हैं अकल की हदों से दीवाने, अहले होश से कह दो न आए समझाने। लोग हैं ना, तू अपनी खूबियां ढूंढ,
कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना, तू खुद की अलग पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तू सपने ऊंचे देख। नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, अगर बनाना है तो अपना नाम बना। बातें बनाने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा। तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का। झलने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे की तरफ रख। पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। उसने मुझे बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं, उसने मुझे विश नहीं किया तो मैं क्यों करूं, उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं क्यों करूं, वो वक्त का पाबंद नहीं है तो मैं क्यों वक्त पर जाऊं। ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी पर मनफी यानी नेगेटिव असरात डालते हैं। देखिए, वो जो करते हैं वो उनके संस्कार और उनकी तरबियत है, आप उनको कॉपी करके अपनी तरबियत और अपने संस्कार पर सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हो। दूसरों की नकल करके अपनी पहचान मत खो। आप जो है वो रहो, वही बेस्ट है, वही बेहतर है। बात समझ में आई? सात पछतावे हैं जो मरने से पहले हर इंसान को होते हैं। नंबर एक, काश मैं अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा वक्त बिता लेता। नंबर दो, काश मैं अच्छे लोगों के साथ रहकर अपनी आदतें अच्छी कर लेता। नंबर तीन, काश मैं अपनी चीजों पर घमंड नहीं करता और सब लोगों के साथ वो चीजें बांटता। नंबर चार, काश मैं खुद की खुशी के साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखता। नंबर पांच, काश मैं वक्त रहते अपने खुदा को राजी कर लेता। नंबर छह, काश मैं लोगों के कहने पर नहीं चलता और अपने माँ बाप की बात मानता। नंबर सात, काश मैं अपने आखिरी सफर यानी कब्र की कुछ तैयारी कर लेता। हमारे पास अभी भी वक्त है इन सातों पछतावे से बचने का। बात समझ में आई? सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्म सम्मान अगर आपको चाहिए तो ये आठ काम करो। बहस मत करो, एक्शन लो। दूसरों के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और किसी पर डिपेंड मत रहो और सबसे अपना सीक्रेट छुपाओ और किसी पर जल्दी से ट्रस्ट भरोसा मत करो और टाइम की रिस्पेक्ट करो, कदर करो और किसी को कमजोर कभी भी मत समझो। और आखिरी, सामने वाला छोटा हो या बड़ा उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट करो। बात समझ में आई? मैं जब कहूं कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी तो ठहर जाया करो, उस वक्त ज्यादा जरूरत होती है तुम्हारी। ला 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 ला।